तो अभी तक आपने हाइपरबोला के जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है। इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें हाइपरबोला के दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम गिवन है। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि फोकस है ±4,0, बट फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ±C,0। यहां से C की वैल्यू हमें मिलेगी 4। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होती है 2B² / A एंड इसकी वैल्यू गिवन है हमें 12, यानी 2B² / A की वैल्यू 12 हो जाएगी, जिससे हमें A एंड B में एक रिलेशन मिलेगा विच इज B² = 6A। अब हम पढ़ चुके हैं कि C² की वैल्यू होती है A² + B² के इक्वल। अब इस इक्वेशन में जब हम C एंड B² की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4² = A² + 6A एंड इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें A में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है और इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमें A की दो वैल्यूज मिलेंगी -8 और 2। सिंस A है वह एक लेंथ है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए A की वैल्यू -8 के इक्वल नहीं होगी। तो हम A की केवल एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे विच इज 2। अब हम B² = 6A में A की वैल्यू जब पुट करेंगे देन वी गेट B² = 12। अब हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो फोकस है वह एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जब हम A² और B² की वैल्यू पुट करेंगे देन वी गेट X² / 4 - Y² / 12 = 1। आई होप आप सभी को हाइपरबोला के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो इस टॉपिक की समरी इस प्रकार है, जिसमें हमने हाइपरबोला के बारे में पढ़ा और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। अब आपको अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।